Hello friends, welcome to my YouTube channel HOTECH Electra. Please subscribe and click the bell icon for the notification of upcoming new videos. Hello guys, good morning. Namaskar, pranam, sat sri akal, kim chho, kaise hain aap sab? Today I would like to discuss with you about space and some space center and also space agencies. So let us now start. First one, ISRO, Indian Space Research Organization, which is a इंडियन स्पेस एजेंसी जो कि स्टेबलाइज किया गया था 15 अगस्त 1969 को 15 अगस्त 1969 में इसे स्टेबलाइज किया गया था। इसका ओल्ड नेम था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इसका पुराना नाम क्या था? इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, INCOSPAR। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर में। लॉन्चिंग सेंटर कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश, जो कि आंध्र प्रदेश में है। सतीश धवन इसके चेयरमैन थे इसरो के, अब उनके नाम से श्रीहरिकोटा को रिप्लेस करके सतीश धवन स्पेस सेंटर इसका नाम रख दिया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। सो कीप इन माइंड, पहले इसका नाम श्रीहरिकोटा था, श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर, सतीश धवन इसके इसरो के चेयरमैन थे, अब इसका रिप्लेस करके इसका नाम रिप्लेस करके श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर रख दिया गया है। सो गाइस, इसरो इंडियन एजेंसी है, ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडियन एजेंसी है, इंडिया का स्पेस सेंटर है। सेकेंड वन, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है? अमेरिकन एजेंसी है। इसका स्टेबलाइजमेंट 1958 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन में हुआ। इसका लॉन्चिंग सेंटर कहाँ पे है? केनेडी स्पेस सेंटर, जिसे बोला जाता है केपे कैनवेरल फ्लोरिडा, केपे कैनवेरल फ्लोरिडा के नाम से जाना जाता है। इस थर्ड वन, रॉस कॉस्मस रशियन एजेंसी के नाम से जानी जाती है, रशियन स्पेस एजेंसी के नाम जानी जाती है, जो कि दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे पहला और सबसे बड़ा स्पेस एजेंसी है। इससे बड़ी कोई स्पेस एजेंसी पूरे वर्ल्ड में नहीं है। डेट मीन्स रॉस कॉस्मस इज वर्ल्ड फर्स्ट एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट स्पेस एजेंसी। ये कहाँ से लॉन्चिंग फैसिलिटीज इसकी कहाँ पे है? बैकनोर कॉस्मोड्रोम में, जो कि कजाकिस्तान में पड़ता है। कजाकिस्तान ने रसिया को इसे लीज पर दे दिया है, 2050 तक लीज पर दिया। लीज पर देने का मतलब जैसे होता है किराए पर दे देना, यानी कजाकिस्तान ने रसिया को किराए पर 2050 तक इसको दे दिया है, क्योंकि ये बैकनोर कॉस्मोड्रोम कजाकिस्तान में है। सो कीप इन माइंड, ये 2050 तक कजाकिस्तान ने रसिया को लीज पर दिया है। नाउ USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। नाउ गाइस, कम ऑन अनदर पॉइंट, इन स्पेस फर्स्ट डॉग जिसका नाम था लाइका, वो एक फीमेल डॉग थी। लाइका जो एक फीमेल डॉग थी, उसे 1957 में USSR यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के स्पुटनिक 2 से उसे स्पेस में भेजा गया था। लेकिन वो कोई स्पेशल डॉग थी नहीं, नॉर्मल डॉग थी। वहाँ के टेम्परेचर को बियर नहीं कर पाई और उसकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद क्या किया गया? फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस 1961 में यूरी गागरिन को भेजा गया, USSR के स्पेस क्राफ्ट उस तक फर्स्ट से भेजा गया उन्हें। 1961 में यूरी गागरिन, जब डॉग इस फीमेल डॉग लाइका भेजी गई, वो वहाँ के टेम्परेचर को बियर नहीं कर पाई तो मर गई। मरने की वजह से फिर उसके बाद 1961 में ह्यूमन वहाँ पे पहुँचा, मतलब फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस इन 1961 यूरी गागरिन वहाँ पहुँचे। वो USSR स्पेस क्राफ्ट के उस तक फर्स्ट से गए थे। और फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस फ्रॉम इंडिया वो राकेश शर्मा थे, 1984 में जो गए थे, वो इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे, जो कि 1984 में इंडिया से वो सबसे पहले गए थे। नाउ नेक्स्ट वन, फर्स्ट ह्यूमन ऑन मून, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन, ये दोनों गए थे, लेकिन सबसे पहले पैर रखे थे नील आर्मस्ट्रांग। गए तो थे तीन लोग, लेकिन दो ही लोग, एक उतरा ही नहीं थे,
मतलब दो लोग वहाँ पे गए थे, नील आर्मस्ट्रांग पहले गए थे 1969 में, और वो किससे गए थे, अपोलो 11 नासा के। सो गाइस, दीज आर द सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पेस, स्पेस सेंटर एंड स्पेस एजेंसी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी, इफ़ यू वॉन्ट टू PDF यू कैन ऑल्सो कमेंट मी। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग न्यू वीडियोस। ओके गाइस, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।